कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी ने मदनपुर गैंगरेप केस में अब जो है सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां, पहुंचे थे मौके पर पीड़ितों से मिलने के लिए औरंगाबाद में, जो आरजेडी के विधायक हैं और बाहुबली सांसद जो रहे हैं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। जी हां, चेतन आनंद औरंगाबाद में जो मदनपुर सामूहिक दुष्कर्म कांड है उसके पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी, कही कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, हर दिन हत्या हो रही है, लूट और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चेतन आनंद परिवार वालों से मिले और उन्होंने सरकार की बखिया उखेड़ी। क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद, सुनिए आप। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। हम यही कहते हैं कि अगर ये कांड किसी और के साथ हुआ होता, एक नेशनल लेवल का न्यूज़ बना होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर न्यूज़ भी जो है जात पात के आधार पर बनाया जाता है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज हम यही कहने के लिए आए हैं और खास करके हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर औरंगाबाद के जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये नहीं हो कि मतलब क्योंकि कोई किसी कास्ट विशेष का है, जाति विशेष का है, तो उसके साथ न्याय अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और हम लोग पुरजोर तरीके से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी रेपिस्ट हैं, जो 5 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हम लोग चाहते हैं। तो सुन लिया आपने कि सरकार की बखिया उखड़ते हुए कह दिया कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, हर दिन जो है आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने उपचुनाव के बारे में दावा करते हुए कह दिया कि दोनों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों ही जगह से आरजेडी की जीत पक्की है। तो बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने जीत का दावा कर दिया और सरकार की बखिया भी उखेड़ के रख दी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।